लोगों को बताने वाला था थर्ड क्लास जो रोप चढ़ने का तरीका है वो किस तरह से है, किस तरह से पैरों का ग्रिप बनाना है और किस तरह से हाथों का ग्रिप बनाना है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखें। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जब हम इनिशियली चढ़ना स्टार्ट करते हैं जो पैरों का ग्रिप रहता है, अभी आप देखोगे कई बच्चे इस तरह से रोप बीच में रखते हैं, कई बच्चे पैरों के मूवमेंट के दौरान रोप को इस तरह से रखते हैं। ये सारी चीज़ें गलत है। इस तरह से आपको रोप को मूवमेंट नहीं रखना है, पैरों के बीच में इस तरह से ग्रिप नहीं बनाना है। इस ग्रिप में क्या होगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपके स्लिप होने के चांस ज़्यादा है, आपके जो हाथों का ग्रिप है उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। अगर इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, जब आप चढ़ोगे चढ़ने के दौरान रोप आपके टांगों के बीच में होनी चाहिए। अगर रोप को आपने इस तरह से टांगों के बीच में ले ली, पहले आप क्या करो, इसके रोप के बगल में खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद में जो आपका राइट वाला लेग है, जो आपके राइट वाला लेग है, राइट वाले लेग को लेके अगर आप रोप के ऊपर से लेके इस तरह से अगर आप दबाते हो, दोनों पंजों के अंदर आपकी रोप है वो दब जाएगी। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे दोनों टखने हैं, जो पंजे हैं उनके बीच में रोप दबी है और दूसरी रोप दबी है मेरे यहाँ पे थाइस के बीच में। जो थाइस की मसल रहती है वो रोप को जो ग्रिप बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। इसमें आप देखोगे मेरी पोजिशन ये हो जाएगी। और दूसरा जो मेरे हाथ है, जो मेरे हाथों का जो ग्रिप है वो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। अभी मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ किस तरह से चढ़ना है आपको, इस तरह से रोप को दोनों टांगों के बीच में लिया, ग्रिप लिया। जो आपका हाथ है, आपके हाथों का जो मूवमेंट है हमेशा शॉर्ट मूवमेंट होना चाहिए। और रोप को जैसे छिपकली दीवार के ऊपर क्लाइंब करती है उस तरह से आपको चढ़ना है। आपके छोटे छोटे ग्रिप होने चाहिए और जो रोप है वो आपके शरीर के एकदम नज़दीक होनी चाहिए। आपकी जो कोहनियों का लोक है ये हमेशा लोक रहना चाहिए, इसको खुलने नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा अगर आप हाथ को खोलोगे ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका लोक, अगर कोहनी का लोक खुल जाएगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ इतनी नहीं आ पाएगी और जो आपके ग्रिप छूटनेंगे या फिर स्लिप होने के चांस ज़्यादा हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ऊपर चढ़ते हैं। फर्स्ट इनिशियली जब रोप के ऊपर चढ़ते हैं तो आप क्या करो, फुल्ली अपने हाथों को स्ट्रेट करो और अच्छे से ग्रिप बना लो। अच्छे से ग्रिप बनाने के बाद में अपने हाथों से जो आपकी लोअर बॉडी है उसको आपको पुल करना है इस तरह से, और यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। अभी आप देखते हो इस तरह से मैंने अपनी बॉडी को लॉक किया, उसके बाद मेरे को अगला स्टेप लेना है और फिर से ऊपर लेना है और लॉक कर देना। और मैं इस तरह से आपको दिखाऊंगा, ये तो लॉक रहता है इस तरह से, आप बहुत बढ़िया लॉक रहेगा। आप अपने हाथों को मूवमेंट कर सकते हो, पैरों को मूवमेंट कर सकते हो। जब आप वापस आओगे सेम लॉक नीचे शिफ्ट करना है, आपको इनिशियली अभी जो नए नए बच्चे हैं उनको थर्ड क्लास रोप चढ़नी है। आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास चढ़ने की कोशिश ना करें। उसके लिए आपको कोर बॉडी में काफ़ी सारा स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी लेग्स का मूवमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं मौका मिलेगा आपको हर चीज़ आपको डिटेल में बताता रहूँगा। डे बाय डे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी जो लाडनू के अंदर है, जो हमारा चैनल है यूट्यूब के अंदर गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू, उसके ऊपर आप जो एकेडमी के वीडियोस हैं उसको देख सकते हो, जो फिजिकल ट्रेनिंग के वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। उसके अंदर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फेसबुक में भी सेम गुरुकुल डिफेंस एकेडमी आप सर्च मारोगे तो उसके अंदर हमारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली बहुत सारे वीडियो और कंटेंट, स्पेशली भर्ती की तैयारी, वो सारी चीज़ हम वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद।